वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर जिला अदालत ने 34 साल के एक विवाहित व्यक्ति को अपनी लिव इन पार्टनर के साथ दुष्कर्म करने, गर्भपात के लिए मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी को कोर्ट ने पीड़िता लिविंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट के आधार पर दुष्कर्म मामले से बरी किया। मामला 27 जुलाई 2021 का है, जब एक युवती ने भवरकुआ थाने पर आरोपी चंद्रभान पवार के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान पीड़िता और आरोपी के बीच हुए एग्रीमेंट पर कोर्ट में पेश किया गया। एग्रीमेंट के मुताबिक पीड़िता का प्रेमी शादीशुदा था और उसके लिविंग में साथ रहता था, जिसमें यह तय किया गया था कि 7 दिन वो अपनी पत्नी के साथ और 7 दिन अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रहेगा। कोर्ट ने सभी साक्ष्य और तर्कों के आधार पर यह माना कि पीड़िता और आरोपी के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे, ऐसे में आरोपी को गर्भपात और रेप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ये था कि एक लड़की थी, उसका आरोपी चंद्रभान से प्रेम संबंध था। आरोपी चंद्रभान शादीशुदा था, ये उस लड़की को पहले से पता था, बट उसने कोर्ट में ये कहा है कि उसको बाद में पता चला। तो जब उसको बाद में पता चला कि आरोपी चंद्रभान शादीशुदा है, तो उसने उससे एक एग्रीमेंट कराया। उस एग्रीमेंट में उसने ये लिखा कि मेरे से तुमने ये बात छुपा के मेरे से शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए अब मैं उसके साथ लिविंग लाइफ रिलेशनशिप में रहूँगी, लेकिन वो 7 दिन अपनी बीवी के पास जाएगा और 7 दिन में चाहे तो वो मैं भी उसके साथ जाऊँ, और अगर वो मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो मेरी हर नीड्स को, जो भी मेरी ज़रूरत है, सब मेरी पूरी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं विधिक कार्रवाई करने में सक्षम हूँ।